हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानसी गुप्ता एक बार फिर से SPL लाइव लर्निंग में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम महिला के गर्भवती होने के पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणुओं में से कोई एक का आपस में मिलन होता है और उनको किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, प्रकृति अपने आप में एक रहस्य है। भले ही विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन प्रकृति ही असली निर्माता है। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत से पति पत्नी बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी कोई संतान पैदा नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ पति पत्नी कुछ कमियां होते हुए भी माता पिता बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने गौर किया? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आप हमारे चैनल की नई लाइव वीडियो तुरंत पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल SPL लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी प्रत्येक एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आसानी से मिल सके। तो चलिए जानते हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। जब पुरुष का स्पर्म महिला की योनि में जाता है, तो उसमें करोड़ों शुक्राणु होते हैं, जिनमें से केवल एक ही शुक्राणु महिला को गर्भवती करने के लिए काफी होता है। इसी प्रकार महिला की योनि में दो ओवरी होती है, और नॉर्मली दोनों में से किसी एक ओवरी में प्रत्येक 28 दिन के अंतराल में अंडे बनने शुरू होते हैं और एक साथ पकने शुरू होते हैं। इन अंडों की संख्या हजारों में होती है, और इनमें से कोई एक अंडा ही पूरी तरह से पककर शुक्राणु से मिलान के लिए तैयार हो पाता है। बाकी के सारे अंडे बेकार होकर माहवारी के दौरान निकल जाते हैं। मासिक धर्म के 10 दिन बाद स्त्रीकाडिम, जिसे अंडा भी कहते हैं, ओवरी से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। जैसे ही यह अंडा बाहर निकलता है, अंडवाहिनी के सिरे पर मौजूद झूमते हुए रेशे इस अंडे को पकड़कर नली के मुख में डालकर अंदर धकेल देते हैं। और जब पुरुष स्त्री के साथ संभोग क्रिया के बाद अपना वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ता है, तो वीर्य में मौजूद शुक्राणुओं को योनि में मौजूद अम्ल में गोते लगाने पड़ते हैं, जिससे अधिकांश शुक्राणु तो यहीं पर निष्क्रिय हो जाते हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए शुक्राणुओं को 5 सेकंड लेकर 6 इंच का सफर तय करने में 1.5 से 2 दिन का समय लग जाता है। और जैसे ही कोई एक शुक्राणु स्त्री के अंडे के करीब पहुंचता है, तो यह अंडे के आकर्षण को महसूस करके तुरंत अंडे के आलिंगन में बंध जाता है, और कुछ ही देर में नन्हा सा शुक्राणु अपनी नुकीली नोक के सहारे अंडे की दीवार में छेद करके अंदर पहुँच जाता है। अंडे के अंदर शुक्राणु और अंडाणु के केंद्र का मिलान हो जाता है, और वह मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार से स्त्री गर्भवती हो जाती है, और फिर यह क्रिया लगातार अपनी स्टेट्स को बदलती रहती है, और पूरे 9 महीने के पीरियड में एक शिशु का जन्म होता है। अब जानते हैं आइडियल प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है। पुरुष के शुक्राणु स्त्री की योनि में 2 सेकंड लेकर 3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। वही स्त्री का अंडा ओवुलेशन क्रिया के बाद 1 सेकंड लेकर 2 दिन के लिए ही जीवित रह पाता है। अगर इस अवधि में शुक्राणु का अंडे के साथ मिलान नहीं हो पाता है, तो यह अंडा बेकार होकर टूट जाता है और फिर मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु को बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना होता है, ताकि वह एक दूसरे से मिल सके और एक शिशु के जन्म की नींव रख सके। तो फ्रेंड्स, यह थी स्त्री के गर्भधारण के ऊपर हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इस पोस्ट को Google+, Facebook, Twitter आदि पर शेयर भी करें। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकॉन यानी घंटा के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी प्रत्येक एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।